इसके जो मसकली है इसके मानथा मसकली सॉन्ग भी निकला हुआ है ना, मसकली सॉन्ग भी है। ये देखिए एक एक पेयर का दाम जो है, ये कड़कनाथ का अंडा है, ये अंडा जो है मुर्गी जब देती है तो शुगर फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री। आलू तो बहुत सहमी है, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ आप चैनल के माध्यम से जाने, जिसका कम से कम 7-8 ब्रांच निकला है और हर एक ब्रांच में पपीता है। इसके वैरायटी को नाम कर देसी की पहचान क्या वैसे कैसे जानेंगे? छोटा सा गाय होगा। अच्छा, जो देसी होगा छोटा सा होगा। इनके पास घोड़ा भी है, अभी और भी बहुत चीजें मैं दिखाऊंगा। पॉली हाउस है, इसके अंदर भी हम ले चलेंगे आपको, जिसमें हम लोग ऑफ सीजन के लिए मूली लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें कोई अगर ले जाते हैं, हमारे यहाँ मैटिंग की भी व्यवस्था है। ये गांव के दलमारा ग्राम, और आज हम आए हैं दीपक जी के साथ में, ये हैं और ये संकरी देवी जी हैं। इजराइल से इन्होंने ट्रेनिंग लेके आए हैं, उसके बाद साई इंटीग्रेटेड एग्रो फार्म खोला है। कुमार सिंह, प्रोपराइटर साई इंटीग्रेटेड एग्रो फार्म, दादमारा झारखंड से हूँ। इंटीग्रेटेड फार्म का मतलब है समेकित कृषि प्रणाली, और समेकित कृषि प्रणाली का अर्थ होता है पशुपालन के साथ कृषि के कार्य को करने की गति को ही इंटीग्रेटेड फार्म या समेकित कृषि प्रणाली कहा जाता है। परीक्षण के लिए गए इजराइल गए, इजराइल में जो है कम जमीन में कम पानी में थोड़ा सा भी जमीन का वहाँ पे उपयोग होता है। हर सीजन में आलू लगाना, कोई ऐसा सीजन वहाँ पे नहीं होता है। हर सीजन में आलू है, धान है, सब कुछ वहाँ सीजन में होता है। अभी आप इसको क्या करेंगे, चराने के लिए ले जाएंगे? अच्छा, ये चराने का बाहर लेके जाते हैं ग्राउंड के अंदर ही है? बाहर में। अच्छा अच्छा, क्या क्या है अभी, गाय बैल और क्या क्या है? गाय है, बाछी सब है, भैंस सब है। अच्छा, काली है, अच्छा, पाड़ा है। अच्छा, वो उधर भैंसा है। अच्छा, देसी और जर्सी की पहचान क्या वैसे कैसे जानेंगे? छोटा सा गाय होगा। अच्छा, जो देसी होगा छोटा सा होगा। इनके पास घोड़ा भी है, अभी और भी बहुत चीजें मैं दिखाऊंगा। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं, ये तो भाई, हाँ लेट जाओ, तुम सो जाओ, इसका मस्ती है, धूप निकला हुआ है भाई, फुल मस्ती में है एकदम। ये कड़कनाथ मुर्गा, ये देखिए आप देख सकते हैं कड़कनाथ मुर्गा, और ये काफी महंगा भी होता है, और इसका मीट को डॉक्टर भी सलाह देते हैं, खाने को बोलते हैं। ये देखिए इधर भी कड़कनाथ मुर्गा है। अभी इनका चराने का टाइम हो गया, अभी ये इनको लेके जा रहे हैं। ये लोग का गाय का जो वेस्टेज होता है गोबर का खाद बनाने में चीजें होती है, और भी जो खेत में उर्वरक मात्रा बढ़ाने के लिए ये गोबर को भी इकट्ठा किया जाता है। बकरी फार्म है। अच्छा, और इसमें 4-5 वैरायटी का बकरी है। ये फाटा जो है ये ब्लैक बंगाल है। अच्छा, ये येलो वाली जो देख रहे हैं ये बीटेल है। अच्छा, जो ब्लैक कलर का मुर्गा आप देख रहे हैं, ये इस वैरायटी के नाम को बोलते हैं कड़कनाथ, जो अभी हमारे झारखंड में प्लेयर है धोनी, वो भी इसका कर रहे हैं। अच्छा, तो धोनी भी कड़कनाथ का ये कर रहे हैं? धोनी भी कड़कनाथ का, लेकिन सबसे पहले हमने आरंभ किया था, उनसे हमारा परिचय भी है और उनसे मिले भी हैं हम लोग। इस वैरायटी का नाम है कुरुड़ा। अच्छा, कुरुड़ा वैरायटी का आलू है। आलू आप बता रहे हैं? हाँ। मार्केट में भी ये लाल आलू मिलता है, उससे कुछ ये लाल नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, इसका मेडिसिनल वैल्यू है, ये शुगर फ्री कोलेस्ट्रॉल फ्री है, काफी बार आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। इसको वैरायटी का नाम बोला जाता है कुरुड़ा आलू। कुरुड़ा आलू देखिए सर बता रहे हैं, शुगर फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री। आलू तो बहुत सहमी है, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ आप चैनल के माध्यम से जाने, और ये केजी कैसे पड़ता होगा अगर हम इसको बेचते हैं बाहर? तो 40 रुपया केजी हम लोग बेचते हैं। और डॉग हॉस्टल भी हमारे यहाँ चल रहा है। अच्छा, कूलर रूम भी है और जनरल रूम भी है डॉग के लिए? हाँ, डॉग के लिए, जैसे लोगों की अब ऑफिसर्स का कोई वीआईपी का होता है जो एसी में आदत होता है तो उसको एसी में रखते। देखिए ये सब रूम है। अच्छा, ये डॉग के लिए रूम? डॉग के लिए ही रूम। ये सब डॉग है, इसका 7,000-8,000 रुपया पेट का दाम पड़ता है, ये 7,000-8,000। देखिए ये पेयर का नाम है, ये
चीनी कोई अगर ले जाते हैं, हमारे यहाँ मैटिंग की भी व्यवस्था है, ये जॉब के लिए मैटिंग भी करता है और मैटिंग का भी चार्ज हम लोग 5,000 रुपया एक जॉब के मैटिंग का रखे हुए हैं। लकवा कबूतर, अच्छा ये लकवा कबूतर है। हाँ। और ये फिल्म में जो आप देखे होंगे, हाँ, इसका 29 डायना होता है, इसको मशक कली बोलते हैं। ये देखिए इस, हाँ, इसके जो मशक कली है इसके माथा मशक कली सॉन्ग भी निकला हुआ है ना, मशक कली सॉन्ग भी है। हाँ। ये देखिए एक एक पेयर का दाम जो है 2,000 रुपया पर पेयर बेचते हैं, 2,000 रुपये पर पेयर पर पेयर। और हमारे झारखंड या बिहार के या भारत के जो भी किसान हैं वे कबूतर खाने वाले का पालन करते हैं, जिसका कीमत सिर्फ 200 रुपया हाट बाज़ार में मिलता है। अच्छा। और हमारे दूसरा ये ब्लैक वाला जो लकवा कबूतर है, जिनको लकवा या किसी तरह का कोई नस वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो लकवा में गांव देहात में बोला जाता है कि इसका लकवा कबूतर का हवा लगाने के बाद लकवा का बीमारी ठीक होता है। अच्छा, मतलब ये देखिए लकवा कबूतर इसको बोलते हैं, जिसको लकवा बोलते हैं, देसी इलाज है कि लकवा कबूतर का हवा लगाने के बाद ये ठीक होता है। ये देखिए तो इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। हाँ। और इसका आमदनी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है किसानों के लिए। तो मैं किसानों को प्रेरित करता हूँ कि ऐसे ऐसे पशु पक्षी का पालन करें जिसका आप लाभ लें। समझिए 100 रुपया लगा करके आप 1600 रुपया एक बत्तख से ले सकते हैं। और ये जब अंडा देना बंद भी कर देती है 3-4 साल बाद, तो भी इसका वैल्यू कम से कम 500 रुपये का एक पीस का होगा। देखिए इसी के साथ हम आपको लेके चलते हैं राजहंस, जो हमारे यहाँ राजहंस काफ़ी मात्रा में है। अलार्म की तरह ये आवाज़ देती है तो हम लोग को मालूम हो जाता है कोई अननोन पर्सन, बाहरी जानवर, कुत्ता, सियार, कुछ तरह का ऐसा जानवर। देखिए उसके साथ एक बच्चा भी है और कुछ अभी सप्लाई में आप पानी देख रहे हैं। हाँ। वो डेयरी का धुला हुआ पानी है। अच्छा, डेयरी का वेस्टेज पानी, डेयरी का वेस्टेज पानी है। उसमें मछली भी पालन हो गया और फिर इसको अपने खेत में धान में गेहूं में मटर में चना में हरा चारा में इसको हम लोग डालते हैं, तो वो एक तरह से ऑर्गेनिक हो गया। मतलब एक चीज से पांच का। हाँ, पांच कल्चर के अंदर। ये ओआरएस फ्रूट है, ओआरएस चीज से बनता फ्रूट है। अच्छा, इसको जब आपको डॉक्टर लिखते हैं ओआरएस का क्या क्या लाभ है तो आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन इसका उपज करते हैं और ये 100% ऑर्गेनिक है। एक ही वृक्ष में 3 मसाला है इसका। एक मसाला तो ये देख रहे हैं आप सामने, ये दालचीनी है। अच्छा, ये दालचीनी हो गया, ये दालचीनी है। अच्छा, और ये जो है आप देख रहे हैं। हाँ। मीट मसाला है। अच्छा। इसके पत्ते को तोड़ करके भी आप देखिए, इसको सूंघिए तो पता चलेगा, चाय पत्ती में भी डाल। हाँ, के इसको ये तो बिल्कुल ये। हाँ। उसकी तरह चाय भी पी सकते हैं इसका, इसका चाय भी पी सकते हैं। तीसरा इसी में देखिए आप देख रहे हैं, ये तेज पत्ता है जो आप लोग तो जानते ही है। देखिए ये छोटा पौधा है इसी साल का। अच्छा, इसी साल का पौधा है और इसमें देखिए मंजर का क्या आलम है। हालांकि फलन हम लोग इस बार नहीं लेंगे। देखिए 2 साल में, 2 साल में इतना बड़ा हो गया। हाँ। और कम से 50 से 60 आम इसमें जरूर आएंगे। अच्छा, इसके लिए आप अलग से कुछ मतलब तैयार करते होंगे? तैयार सिर्फ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कोई हम लोग यूरिया या रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ अपने यहाँ बनाए हुए गोमूत्र। हाँ। और गोबर से बर्मी कंपोस्ट से। हाँ। इसको हम लोग तैयार किए। और देखिए पत्ता कम अमरूद ज्यादा है, देखिए पत्ता कम अमरूद ज्यादा, सिर्फ आपको लगेगा डंठल में। यहाँ पे आएगी सर, सिर्फ आपको लगेगा डंठल में ही अमरूद फल रहा है। पत्ता कम अमरूद ज्यादा, हम पत्ता कम और अमरूद ज्यादा। अभी आपने देखा हॉर्टिकल्चर पशुपालन, थोड़े देर पहले आपने देखा घोड़े का कैसा हम लोग पालन कर रहे हैं। ये भी ऐसी के अंदर, ये ब्लैक गेहूं है, ये ब्लैक इधर वाला जो है एक नंबर प्लॉट में, ये ब्लैक सीड का गेहूं था, ये भी शुगर फ्री है। देखिए ये एक ही पपीता है जिसका कम से कम 7-8 ब्रांच निकला है और हर एक ब्रांच में पपीता है। इसके वैरायटी को नाम कहते हैं रेड लेडी। तो इसको हमने अपने यहाँ कलम काट करके तैयार करके इसको तैयार किया है। देखिए हर एक ब्रांच में पपीता है। ये पॉली हाउस है, आप देख रहे हैं सामने पॉली हाउस है, इसके अंदर भी हम ले चलेंगे आपको, जिसमें हम लोग ऑफ सीजन के लिए मूली लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये पॉली हाउस में क्या कर रहे हैं हम लोग, सीजन एक बार फलन होने के बाद मिट्टी और गोबर उसमें डालते हैं। एक बार पैदावार लेने के बाद मिट्टी थोड़ा कमजोर हो जाता है तो हम लोग लेयर के हिसाब से मिट्टी को बदलते रहते हैं सालों साल। मैं आपको ले चलता हूँ पॉली हाउस के अंदर, जिसमें हम लोग ऑफ सीजन में मूली, खीरा, कद्दू लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सबसे मजे की बात है ऑफ सीजन में मूली का दाम मार्केट में अभी तो
₹10 बंडल मिलेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद 50 से 60-100 रुपया तक भी हो जाता है मूली का दाम गर्मी के दिन में। लेबर का रेट ज्यादा है, काम नहीं मिल पाता है, तो हमने धीरे धीरे लेबर को तो काम करा ही रहा हूँ, लेकिन कम लेबर लगा करके अच्छी पैदावार लेने के लिए हमने बोला जाता है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिप। इसमें क्या होता है कि एक में खाद और एक में सीड बीज डाल देते हैं और ये ट्रैक्टर से चलता है। अगर इसको खेत में लगाने के लिए कम से कम 9 मजदूर लगाएंगे हम, तो 9 मजदूर का काम सिर्फ एक मशीन एक खर्च में ही ट्रैक्टर के द्वारा हो जाता है। सब जितना देख रहे हैं, ये जामुन का पेड़ है, गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन गुआभा भी हमारे यहाँ रेड कलर का होता है, जो पूरा ऑर्गेनिक, शुगर फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री। आइए, हमारे यहाँ मैं दिखला रहा हूँ अंडा, ये कड़कनाथ का अंडा है। ये अंडा जो है मुर्गी जब देती है तो स्वाभाविक देसी मुर्गी की तरह ये अपना चूजा के लिए ये अंडा को नहीं सेवती है, तो इसको हम लोग हैचरी में अपना हम लोग खुद का यहाँ पर रखे हुए हैं। एक अंडे के दाम कितने होते हैं? ये अंडे का दाम हम लोग 25 रुपया मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेचते हैं। तो सर, अंत में आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यहाँ के युवा और किसानों को चाहूँगा कि अगर मेरे पास तो काफ़ी बड़ा जगह है, लेकिन आपके पास कम जगह भी है, तो इंटीग्रेटेड फार्म करके, समेकित कृषि प्रणाली करके, कृषि के साथ पशुपालन, मछली पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, वृक्ष, मसालेदार वृक्ष और सब्जी का उत्पादन एक साथ करके इंटीग्रेटेड फार्म हम लोग जैसे बड़े रूप में चला रहे हैं, तो आप लोग छोटे रूप में भी चला सकते हैं और हमारे यहाँ आकर प्रशिक्षण भी ले सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी 200 गुना हो सकता है। बस आपके सही लगन और मेहनत की ज़रूरत है। कहते हैं दोस्तों, जब टूटने लगे हौसला तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। क्या बात है सर, क्या बात है।